हेलो फ्रेंड्स, लिटिल टेरेस गार्डन में आपका स्वागत है और मैं आपकी गार्डनर दोस्त किरण। फ्रेंड्स, ये प्लांट देख रहे हैं कितना खूबसूरत है। आज हम इसी पे बात करेंगे फ्रेंड्स, इतने खूबसूरत प्लांट की। फ्रेंड्स, इसका नाम है बोस्टन फन। और फ्रेंड्स, ये दो क्वालिटी में आता है। इसकी एक क्वालिटी बड़ी वाली होती है और फ्रेंड्स ये छोटी क्वालिटी है। ये आप बास्केट वगैरह में हैंगिंग करके, वो बड़ा वाला भी लग जाता है वैसे, बट ये आप छोटे किसी अच्छे से पॉट में लगा दो, बहुत पुशी हो जाता है। फ्रेंड्स, मैं इसको इसके ही अंदर लाई थी और ये बहुत ज़्यादा जब इसके अंदर हो गया ना फ्रेंड्स, सो मैंने क्या कराया मैं बताती हूँ आपको। देख रहे हैं, मैंने इस पॉट के अंदर लगा दिया, इसमें ज़्यादा हो गया था तो मैंने इस पॉट में बोस्टन फन लगा दिया। देख रहे हैं कितना अच्छा हो रहा है। और फ्रेंड्स, इसकी खासियत क्या है कि इसको एक बार आप ले आओ अपने घर में और ये अपने आप ही बहुत सारा हो जाता है और इसको फिर आप अलग अलग करके लगा सकते हैं। मैं आपको एक चीज़ और दिखाती हूँ फ्रेंड्स, ये देख रहे हैं फ्रेंड्स, इसमें मैं दिखाती हूँ इसकी साइड में ना, यहाँ साइड में, अब तो मैंने निकाल दिया है, ये बारीक बारीक हो रहे थे, देख रहे हैं एकदम बारीक बारीक, ये देखिए। तो मैंने इनको, इनकी जड़ें आ रही थी फ्रेंड्स, तो मैंने ये निकाल के इसके, देख रहे हैं ये एक प्लांट हो गया, फिर मैंने ये इसके बाद में ये लगाया है, ये एक प्लांट हो गया। फिर और दिखाती हूँ मैं आपको, ये देख रहे हैं ये हो गया, ये भी एक प्लांट हो गया। तो इस तरीके से मैंने फ्रेंड्स इसमें निकाल करके ये तीन प्लांट लगा दिए हैं बारीक बारीक। मैं आपको नीचे से दिखाती हूँ ये कैसे हो जाते हैं, ये देख रहे हैं अपने आप ही इसकी जड़ बन रही थी साइड में, तो मैंने इसको निकाल करके और ये अलग से इस पॉट में लगा दिया। तो इससे फ्रेंड्स क्या है कि हमारे अलग अलग प्लांट इससे बन जाएंगे ईजिली। और दिखाती हूँ मैंने कितने प्लांट बनाए हैं फ्रेंड्स इससे, ये देख रहे हैं, इससे मैंने एक ये बना दिया, एक देख रहे हैं कि ये बन गया, एक ये बन गया। मैंने फ्रेंड्स इसमें भी चार प्लांट लगाए हैं, इसकी साइड से ही निकाले हैं मैंने, इसी में लाई थी स्पॉट में। और जब ये एक्स्ट्रा हो जाता है ना फ्रेंड्स, तो इसकी जड़ बनने लग जाती हैं, और जब जड़ बनने लग जाती हैं फ्रेंड्स तो बेहद इसको फिर निकालना भी पड़ता है। तो मैंने निकाल के आप देख ही रहे हैं, मैंने दो जगह लगा दिया है ये, बट इसकी जो साइड में से अगर आप निकाल के और एक्स्ट्रा प्लांट बनाना चाहें तो फ्रेंड्स बन जाता है, जैसे मैंने आपको बताया इसमें स्पॉट में और स्पॉट में निकाल के लगा दिया है। अब मेरे पास फ्रेंड्स, मैं लाई तो ये एक थी और अब मेरे पास कम से कम 8 प्लांट हो गए इससे फ्रेंड्स। और ईजिली ग्रो है, गोबर की खाद डाल के आप इसको लगा दो, बहुत खूबसूरती से फ्रेंड्स ये होता रहता है। और इंडोर प्लांट है फ्रेंड्स, अगर आप इसको टेरेस पे रखते हैं तो ऐसी जगह रखें जहाँ पर धूप आए तो पर बहुत कम आए या फिल्टर होके आए। और ये इंडोर प्लांट है फ्रेंड्स, आप इसको अपने कमरे में रखें, हॉल में रखें, बहुत अच्छा चलने वाला है और ख़ूबसूरत प्लांट है इंडोर। और एक बार ले आओ, हमेशा आपके गार्डन में बना रहेगा ये। फ्रेंड्स, आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और पहली बार देख रहे हैं तो बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें। बाकी मैं बहुत अच्छे प्लांट के साथ, अच्छी जानकारी के साथ फिर मिलती हूँ।